तो आप एक काम करो, सबसे बड़ा कारनामा पूरे देश को मैं बता रहा हूँ, गूगल में आप जाओ और स्टूपिड पीएम टाइप करो, किसी का नाम मत, किसका, किसी का नाम नहीं है, स्टूपिड पीएम टाइप करो, का सूट पहनता है और 8,500 करोड़ का प्लेन में घूमता है और बोलता भाइयों बहनों मेरी माँ बर्तन मांजती थी, अबे इस बार 23 से 24 में हम मजवा देंगे। प्रधानमंत्री कब से मालिक हो गया लोकतंत्र में, ठीक है ना, प्रधानमंत्री हम बनाते, जनता चुन के हम लाते हैं, प्रधानमंत्री अपने आप उड़ के नहीं बैठ जाता उधर। मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो मणिपुर है, मोदी है तो हाथरस है, मोदी है तो उन्नाव है, यूट्यूबर है, ठीक है ना। जब कंटेंट नहीं चलेगा तो राम मंदिर की सीढ़ी पर बैठ के भीख मांगना तुम, राम मंदिर देश का, अरे देश का क्या भला हो गया, देश का गौरव है ना, राम मंदिर से कौन सा भला होता है, राम की बात में सारा बात कर रहे, अरे हम मन की बात नहीं सुनते, हम ढंग की बात सुनते है ना, मन की बात नहीं सुनते ना, ढंग की बात सुनते, मन की बात भी सुना करिए, मन की बात बीवी से किया जाता है, जनता से ढंग की बात किया जाता है, की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचते हैं, अच्छा इन ये अपने बाप को बाप नहीं कहते, पड़ोसी को बाप कहते हैं, जिनको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से मतलब नहीं, और उनको उनकी बाप को जितना गाली दे लो लेकिन मोदी जी को कुछ मत कहना। तो अभी हम पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ में छोटू कॉमेडियन है, देख लीजिए आप, थोड़ा इनका फेस दिखा दीजिए, अभी बच्चे का अमिताभ बच्चन बन चुके हैं, देखिए जिस तरह से बात कर ले इनके बारे में, तो आप देखेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पे भी इन्होंने जाके और किसान आंदोलन में और तमाम जो वहाँ पे जो संगठन के जो लोग बैठे हुए थे धरने पे, उनका भी जाके समर्थन कर रहे थे। लेकिन बात कर ले कि बच्चों का अमिताभ बच्चन बन गए छोटू जी, अब छोटू जी से बात करेंगे, छोटू जी कैसे बिहार में आना हुआ? बिहार नहीं, पूरा देश घूम रहा हूँ मैं, अच्छा, और इस फकीर को झोला में पकड़ाना है हमें, सब मिल के जनता, किस फकीर की बात करने लगे छोटू जी? एक फर्जी फकीर है दिल्ली में, हाँ, उसको जो 2.5 लाख का सूट पहनता है, हाँ, और 8,500 करोड़ का प्लेन में घूमता है और बोलता भाइयों बहनों मेरी माँ बर्तन मांजती थी, अबे इस बार 23 से 24 में हम मजवा देंगे बर्तन, हाँ, हाँ। प्रधानमंत्री जी का बात तो कर रहे हैं, क्यों नहीं, क्या प्रधानमंत्री देश का मालिक हो गया है क्या? मालिक तो है ही ना साहब, हम मालिक है जनता, अच्छा प्रधानमंत्री कौन बनाता है तो बोल रहे सारी, प्रधानमंत्री कौन बनाता है बताओ, जनता बनाती है, जनता तो जनता मालिक नहीं है क्या, जनता प्रधानमंत्री कब से मालिक हो गया लोकतंत्र में, हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो बूम रखे हो ना तुम जी, ये आप लोग ही देश को डुबा रहे हो, ये लेके हम लोग डुबा रहे हैं, हाँ, अरे हम लोग कहाँ डुबाएंगे, कोर्ट में घुस के गोली भी तो चला रहे हो यही दिखा के, अच्छा हाँ, और अपराधी जज मेज के नीचे छुप जा रहा है, हाँ, हाँ, तो एक बात सिंपल सी बात है, ये देश में जो है ना आज जो कुछ भी है, देश का इंस्टीट्यूशन बिका, देश के लोगों का रोजगार चला गया, तो ये सब मीडिया जिम्मेदार है दोस्त, लेकिन एक बात, नहीं नहीं ये मुझे आपने फेमस किया है, हा? ऐसा बात कर रहे हो यार भाई, नहीं नहीं आप तो आपकी काम भी है, लेकिन ये बात कर ले कि प्रधानमंत्री जी पे इतना सुने, हकीकत सुनो ना मेरी बात, हकीकत प्रधानमंत्री क्या इस देश का मालिक नहीं है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री हम बनाते, जनता चुन के हम लाते हैं, प्रधानमंत्री अपने आप उड़ के नहीं बैठ जाता उधर जाके, अच्छा हाँ, तो प्रधानमंत्री जी हैं तो लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी हैं तो देश के लिए मुमकिन है, प्रधानमंत्री मुमकिन नहीं है, प्रधानमंत्री है, हाँ। मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो महंगाई है, हाँ। मोदी है तो मणिपुर है, मोदी है तो हाथरस है, मोदी है तो उन्नाव है, समझ में आ रहा है क्या, हाँ, तो मोदी है तो तब तो मोदी है तो तुम लोग भाई, मोदी है तो तुम्हारी जेब में है ना, 3,000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट का पैसा है, हाँ। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है कि बड़े लोग ऊपर का मलाई ले ले रहे हैं और आपको साइड साइड का मलाई चाटने मिल रहा है क्या, तो आप लोग तो स्ट्रीम मीडिया को देते हैं ना, अरे गोदी मीडिया हो, स्ट्रीम मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, गोदी मीडिया है तो तुम लोग सुपारी तो लिया ना देश का, अरे हम सब सुपारी कहाँ से लेंगे भाई, हम तो बता रहे हैं, हम तो दिखाने का काम कर रहे हैं, रोजगार का प्रधानमंत्री के कामों को बता रहे हैं हम, एक काम बताओ बढ़िया, चलो प्रधानमंत्री 370 राम मंदिर, 300 राम मंदिर के, ये जो तुम्हारा कंटेंट नहीं चलेगा ना, हाँ। हम भी यूट्यूबर हैं, ठीक है ना, हाँ। जब कंटेंट नहीं चलेगा, हाँ। तो राम मंदिर की सीढ़ी पर बैठ के भीख मांगना तुम, राम मंदिर देश का, अरे देश का क्या भला हो गया, देश का गौरव है ना, राम मंदिर से कौन सा भला होता है, राम मंदिर से कोई भला नहीं है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हो और उसकी सीढ़ियों पर हमारे बच्चों को भीख मंगवाओगे, अबे हमें समझे, रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, और मंदिर मस्जिद की भीड़ी पर ऐसा है ये पकड़ के देना, अच्छा। है ऐसा करना तुम उधर बैठ के, लेकिन हमारे बच्चे नहीं करेंगे, हमको रोजगार, देश गर्व महसूस कर रहा है कि राम मंदिर बन गया, देश वहां से हटा दी गई, राम मंदिर, राम मंदिर और मस्जिद पर किसी को गर्व नहीं होता,
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और गिरजाघर समाज बनाता है, और सरकार नहीं, सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, स्वास्थ्य, जॉब और हेल्थ में काम करना। और तुम बता, तुम मंदिर मस्जिद, तो तुम भीख मांगो वहाँ बैठ के, हमसे ये सवाल मत करो, हमसे पूछो कि विदेशों में तो ढंग का प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों से ही तो बज रहा है ना सर। तो बोलते थे डंका बज रहा है, विदेशों में जाके प्रधानमंत्री जी छाती चौड़ा करके कह रहे हैं देश में हमने काम किया, अगले देश का प्रधानमंत्री दावे के साथ बनेंगे। ये बताओ, तुम डंका बजवा रहे हो, तुमसे तो मोदी आके कह रहे, मोदी जी कान में तुम्हारे कह रहे हैं डंका बजाओ, बजवाओ, और हम जनता से बोल रहे हैं घंटा दबाओ, तो हम क्या करें बताओ। अच्छा, नहीं बात मन की बात में सारा बात कह रहे। अरे हम मन की बात नहीं सुनते, हम ढंग की बात सुनते हैं ना। मन की बात नहीं सुनते ना, ढंग की बात सुनते। मन की बात भी सुना करिए सर। मन की बात बीवी से किया जाता है, जनता से ढंग की बात किया जाता है। मन की बात बीवी से किया जाता है। छोटू जी क्या बात कर रहे हैं आप। मैं प्रधानमंत्री को नहीं कह रहा हूँ, अब तुम वहाँ जा रहे हो। हाँ। मैं बोल रहा हूँ मन की बात बीवी से किया जाता है। अच्छा। अभी हम दिन भर कुछ काम करके आते हैं, तुम भी रिपोर्टिंग करके जाते हो भाई। हाँ। तो बीवी को हाथ, तो दिन भर की कहानी सुनाते हो ना, वही मन की बात होती। महाराष्ट्र से पटना में आना हो कैसे छोटू? तो पटना में आके पट गए, मुझे तो बोला मैं। पट गए आप? किससे पट गए भाई? आपसे मोहब्बत हो गई। अच्छा अच्छा, हमसे मोहब्बत हो गई कि नहीं? बहुत शुक्रिया भाई, एकदम मोहब्बत वाली बात आपने कर दिया। लेकिन एक बार बताइए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे बनेंगे, किस मतलब आपको क्या लगता है किस आधार पे बनेंगे प्रधानमंत्री? देखो, क्योंकि अंधभक्त का नाम सुने हो? ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचते हैं। अच्छा, ये अपने बाप को बाप नहीं कहते, पड़ोसी को बाप कहते हैं। ये कौन लोग होते हैं? अंधभक्त। अंधभक्त मतलब? अंधभक्त मतलब अंधभक्त जी, जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से मतलब नहीं, और उनको उनकी बाप को जितना गाली दे लो, लेकिन मोदी जी को कुछ मत कहना। लेकिन वो तो कह रहे कि कितनी महंगाई हो जाए प्रधानमंत्री वोट देंगे। सुनोगे यार बात? बोले ना। ये हमारे देश में ना जो शराबी पति होता है ना, शराबी पति, वो शराब पी के आके अपनी बीवी की खूब धुलाई करता है। अब कभी पड़ोसी को देखा नहीं गया तो जाके कॉलर भी पकड़ लिया ना, तो बीवी उठ के बोलती, मेरे पति का कॉलर क्यों पकड़ा? बोले क्यों, क्या हुआ? तो बोले, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। वो अंधभक्तों का यह हाल है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा मोदी मेरा देवता है। बिल्कुल देवता है, आप देख लीजिए, देवता वाली बात कर ले, तुमको देता है इसलिए वो हमको नहीं देते हैं भाई। हमको मीडिया को कौन दे रहा है एडवर्टाइजमेंट के नाम पे? हम लोग को कहां से देंगे? ये जेब में पैसा बसेगा? हम लोग स्वतंत्र देश की बात करने वाले, जेब चेक करोगे? आपकी बात करने वाले लोग हैं हम लोग, स्वतंत्र बात करेंगे। हाँ, स्वतंत्र। अरे तुम ये बताओ, स्वतंत्र बोल रहे हो और यहाँ से भारत से जाके विदेश में कौन, जो बाइडन कह रहा है कि तुम लोग गुलाम हो, और बोलते स्वतंत्र हो? जो बाइडन ने बोला कि नहीं कि भारत की मीडिया गुलाम है, हमको वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं मिला, तो मैं वियतनाम में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। अच्छा, G20 में मोदी जी के कारनामे से तीन राज्यों में जीत गए भाजपा? कारनामे ना? कौन से कारनामे? मोदी जी जाके बड़े बड़े डंका, बड़े बड़े सभा करके बड़े बड़े, अरे मेरे भाई सुनो, तुम बोल रहे हो ना बड़े बड़े कारनामे, तो आप एक काम करो, सबसे बड़ा कारनामा पूरे देश को मैं बता रहा हूँ, गूगल में आप जाओ और स्टूपिड पीएम टाइप करो, किसी का नाम मत। किसका? किसी का नाम नहीं है, स्टूपिड पीएम टाइप करो, गूगल क्या कहेगा वो समझ जाए। चलिए, तो हमारे साथ में छोटू जी थे, कॉमेडियन छोटू जी, महाराष्ट्र आए पटना, और पटना वाले को कहीं ना कहीं पटना वाले से पट गए हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो छोटू जी ने क्या कुछ कहा है, बाकी आपने सुना इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।